चाणक्य की कहावत थी, किसी का समूल नाश करना हो तो पहले उसकी जड़ खोदो और फिर उसमें मट्ठा डाल दो। सुशील मोदी ने भी बिहार में कुछ ऐसा ही किया। 4 अप्रैल से मोदी ने लालू खानदान की जड़ों को खोदना शुरू किया था, एक के बाद एक कई भ्रष्टाचार का खुलासा करके, और फिर 26 जुलाई की शाम फाइनली सुशील ने उसमें मट्ठा भी डाल दिया। जी हाँ, सुशील मोदी ही हैं बिहार के नए चाणक्य। लेकिन बिहार के इस नए चाणक्य की कहानी चंद्रगुप्त के उस चाणक्य से जुदा नहीं है। चंद्रगुप्त काल में भी चाणक्य तब जागृत हुए थे जब नंद सम्राट ने उनका अपमान किया था। बिहार के इस नए चाणक्य सुशील मोदी की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बिहार में खराब प्रदर्शन के बाद सुशील मोदी अचानक से हाशिए पर चले गए। उनका कद एकदम छोटा हो गया। माना जाने लगा कि बिहार के आला कमान नेता अब सुशील मोदी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ये बिहार में राजनीतिक रूप से सुशील मोदी का अपमान काल था। लेकिन इसी अपमान काल से सुशील मोदी ने राजनीति का ऐसा दांव चलना शुरू किया जिसने बिहार के नए नंद वंश की नींव खोद कर रख दी। लालू परिवार पर सुशील मोदी ने बैक टू बैक कई खुलासे किए, मिट्टी घोटाला, बेनामी संपत्तियां और फर्जी शेल कंपनियों का जाल। सुशील मोदी इतिहास के पन्नों से लालू परिवार के लिए ऐसी ऐसी परेशानियां ढूंढ कर ला रहे थे कि लालू का बचना मुश्किल हो रहा था। ऐन वक्त पर राजनीति के इस नए चाणक्य ने नीतीश को भी सेट किया और फिर केंद्रीय नेतृत्व को भरोसे में लेकर बिहार में बदलाव की पूरी स्क्रिप्ट लिख दी गई। राजनीति में बिहार के इस नए चाणक्य को उसके किए का इनाम भी मिल चुका है। सुशील मोदी बतौर डिप्टी सीएम शपथ ले चुके हैं और इस तरह राजनीति के अंधकार में खो चुका ध्रुव तारा एक बार फिर राजनीति के आसमान पर दोबारा चमकने लगा है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।